तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति का दिन, और ये देख लो बच्चे जो है पतंग उड़ाने में लग गए, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोग उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग भी देख रहे थे एक दूसरे को, तो ये भी उड़ा रहे थे। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। तो ये जो है क्रीम है, घी बनाने वाली क्रीम, कोई लगाने वाली नहीं है, घी है। उसको मतलब पका के उसमें घी निकालेंगे, वो क्रीम है। तो वही मैं उसको भगोने में निकाल रही थी, और फिर मैं उसे घी निकालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना निकलता है। ये 1 केजी क्रीम है, तो 1 केजी में जो है आधा केजी घी निकलता है, और अगर 2 केजी लेते हैं तो उसमें 1 केजी निकलता है। तो ये देख लीजिए, 1 केजी में जो है आधा केजी पूरा ही, एक डिब्बा है, एक डिब्बा और एक ग्लास में छोटी सी ग्लेसियर थी उसमें निकला था। ये मैंने निकाल दिया था पूजा के लिए, और वो जो अलग डिब्बे में मैंने रख दिया था खाने के लिए, तो इसलिए ये डिब्बा जो है ये खाने के लिए रख दिया था कि बच्चे जूठा कर देते। फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और ये देखो मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। सुबह सुबह आप लोगों के यहाँ भी बनाया जाता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए मैंने बिन के रख दिया है, कितने अच्छे अच्छे चावल हैं ये देखो। तो मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए आके। सभी लोग, सब लोगों को मैं बुला रही हूँ खिचड़ी में। आज खिचड़ी है तो मेरा मिट्ठू क्यों ना खिचड़ी खाए। तो ये देख लीजिए खा रहा है, अपने हाथों से खिला रही है सगुन उसको। ये देखो खिला दो बड़ा वाला नहीं हाल। तो इसकी ये खिचड़ी है, लेकिन सूखी खिचड़ी खाता है क्योंकि ये कुछ डाल के नहीं इसको देते हैं ऐसे ही। मिर्चा, ये देखो ऑयली सब चीज़ तो सब लोगों को खिचड़ी पसंद, तो इसको क्यों नहीं पसंद। मिठू बोलो, हैप्पी मकर संक्रांति बोल दो। ये कहाँ बोल पाएगा बेचारा, वो उसको खाना खाना है। तुम आ जाओ कैमरा पास आ बाबू, मिठू आ जाओ कैमरा पास। को बहुत चला आने तो अच्छा लगेगा, बहुत चला है वो। देखो इतना चालाक है कि बाहर नहीं आ रहा, वहीं से खा रहा। जो ख़त्म हो जाएगा तब आएगा। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए मेरा मिट्ठू कितना चालाक है, कि उसको जब बाहर बुलाते हैं कि ये खाने आए इधर प्लेट तक, तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि वो बाहर आएगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे, तो वो अंदर ही रहता है और अंदर ही चला जाता है, बाहर आता ही नहीं, इतना चालाक है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2, और अब मैं आज आप लोगों से बातें कर रही हूँ यानी फेस कैमरा। और आज है मकर संक्रांति, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो हम लोग के गांव में मकर संक्रांति को जो है खिचड़ी बोलते हैं गांव में सभी लोग खिचड़ी। तो आज हम लोगों के घर पे बनेगी खिचड़ी, सिर्फ बनती है, मतलब कुछ भी बनाओ लेकिन खाने में सिर्फ खिचड़ी ही बनती है आज के दिन। तो आज मैं बनाऊंगी खिचड़ी। और कल मेरा ब्लॉग, आज मेरा ब्लॉग कोई नहीं आया, मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी। आप लोगों को मेरी आँखें देख के ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, बुखार टाइप में रहता है। तो कल से था तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को विश तो कर ही देते हैं। और अभी आज खिचड़ी मैंने बनाई है सुबह, और बच्चों ने खा भी लिया, सब लोगों ने खा लिया, और मैं अभी लेटी थी। लेकिन मैंने कहा अभी आप लोगों से बातें नहीं की, तो थोड़ा बातें कर लेंगे, अगर तबीयत ठीक रही तो व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, और नहीं तो थोड़ा रुक के आएगा व्लॉग, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। तो अभी मैं लेटी थी लेकिन मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लूँ। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह बनाई जाती है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही बनाई जाती है, खिचड़ी बनती है। और 14 और 15 दो दिन है खिचड़ी, तो हम लोग कल भी मनाएंगे खिचड़ी का त्यौहार, आप लोग भी मनाएंगे जिसके यहाँ होती होगी। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन के लिए, जल्दी गए हैं आज, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है सबकी, जो पढ़ाती हैं उनकी भी छुट्टी चल रही है, तो वो जल्दी बुला लेती हैं। और अगर डेली जब स्कूल रहता है तो फिर वो शाम को जब आती हैं तो शाम को 5 बजे से जाते हैं बच्चे, लेकिन इतने समय हर जगह स्कूलों में छुट्टी चल रही है तो फिर वो जल्दी बुला लेती हैं। तो बच्चे गए हैं और मैं लेटी थी, तबीयत ख़राब लग रही थी। और कल का ब्लॉग बना रखा है थोड़ा सा, लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि मन ही नहीं किया, एडिटिंग करने का मन नहीं किया, क्योंकि आप लोग समझते हैं एडिटिंग में कितना दिमाग लगता है, तो मन नहीं किया। देखेंगे उसकी क्लिप थोड़ी बहुत इस वाले में डाल देंगे आज के ब्लॉग में, तो देखते हैं आगे क्या करना है। अभी शाम को जो कुछ ऐसे ही बना लेंगे सिंपल सा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मन नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का,
लेकिन खाने का मन कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्या है, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं खाना खाती हूँ। ज़्यादा ही सीरियस वाली तबीयत ख़राब होती है तो मैं उसमें नहीं खाती हूँ, लेकिन ऐसे बुखार उखार रहता है तो मैं खाना खाती हूँ। और खाना भी चाहिए, खाना किसको छोड़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, सब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए अपनी ज़िंदगी में। जो ये कोविड चल रहा है उसमें सतर्क भी रहिए, सेफ रहिए। घर में रहे थे भाई और मैंने अपने भाई का जो है थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था चुपके से, मैंने बताया नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने चुपके से कर लिया था। मैं आप लोगों को वाली क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी, कल वाले मतलब कल जो रिकॉर्ड किया था उसको आज मैं इसमें एडिटिंग जब करूँगी तो आप लोग मतलब मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी, मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे भाई की एक झलक। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये हैं मेरे भाई, बड़े भाई हैं। दो भाई थे उसमें एक भाई नहीं है, मतलब इस दुनिया में ही नहीं है, और ये बड़े भाई मेरे हैं। ये हैं, ये आए थे मेरे यहाँ खिचड़ी में, यानी कि हम लोग के यहाँ त्योहारों में जो है मायके से कोई आता है तो वो आए थे। और ये अभी मामा से अपने बात ही कर रहा था। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो हाँ बल्ब, ये फ्यूज हो चुका है, पर इसमें देखे कहीं पे कुछ भी बटन वटन है देख लीजिए, कहीं पे भी बटन नहीं। पर हमारे हाथ में इलेक्ट्रिक पावर आ चुकी है, तो देखिए मैं जला दूंगा इस बल्ब को। जला, ये देखो सिर्फ अंगूठे से, देखो कोई बटन नहीं, आप लोग देख लीजिए। होल्डर में लगाते हैं तभी ये चलता है, पर मैं हाथों से चलाता हूँ क्योंकि मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक पावर। टिंग टिंग, ये देखिए हाथ लगाया हूँ ऐसे, मेरी इलेक्ट्रिक पावर ये देखिए इसमें आ गई, ये देखिए, क्योंकि मैं अपने हाथों से पावर छोड़ रहा हूँ। पर इसकी एक गुप्त बात है, ये क्योंकि चार्जिंग बल्ब है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, इसको जब और ये किसने बनाया है, किसने दुकान वाले ने, मेरे प्यारे मामा ने दिया है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। और ये ये मुझे मेरे मामा ने मकर संक्रांति में गिफ्ट में दिया है।